पढ़ने की ज़रूरत तब ज़्यादा है जब समझ में कम आए या ना आए। पढ़ाई और परफॉर्मेंस दो अलग चीज़ें हैं। परफॉर्मेंस में जहाँ हमारा ध्यान इस बात की ओर होता है कि हमें क्या आता है, कितनी अच्छी तरीके से आता है, किस में हमारा कंट्रोल और कमांड है, किन चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पढ़ाई में जस्ट इसके उलट हमारा फोकस इस बात पे होता है कि हमें क्या नहीं आता है, हम किन चीज़ों को सीखने जा रहे हैं, क्या हमारे वीकनेसेस हैं और किस चीज़ में हमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। अगर आपका सारा ध्यान सिर्फ परफॉर्मेंस पे रहेगा तो इससे परफॉर्मेंस तो इफेक्टेड होगा ही, पढ़ाई भी इफेक्टेड होगा। मेरा कहना यही है कि जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि ये पार्टिकुलर टॉपिक, सब्जेक्ट, कंटेंट टफ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मतलब ये परफेक्ट सिचुएशन बन रहा है आपके पढ़ाई का, थोड़ी सी हिम्मत दिखा करके उसको पढ़ने बैठ जाइए। होगा इससे क्या, इंटरेस्ट धीरे से आएगा, मन भी धीरे से लगेगा, सीख भी धीरे से जाएंगे और जैसे जैसे आपके पढ़ाई का अमाउंट बढ़ने लगेगा, ऑब्वियस है कि आपके वीकनेसेस कम होने लगेंगे, आप में ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा पावर की फीलिंग आ जाएगी और परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिकली निखार आ जाएगा। ऐसा अक्सर बहुतों के साथ होता है और मेरी बात मानिए कि पढ़ने का इससे अच्छा तरीका कुछ और नहीं। जब आप अपने आप को लो फील करें तब आपके परफॉर्मेंस में निखार आने की उम्मीद बढ़ जाती है। आप अपना ही एग्जाम्पल लेकर के देखिए, कई बार आपको यह महसूस हुआ होगा कि जब भी आपने लो फील किया है, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील किया है, परफॉर्मेंस आपका बेहतर हुआ है। रीज़न इसके पीछे साफ सा है, आपका डर। हाँ, उसी डर की तो मैं बात कर रहा था कि पढ़ने की ज़रूरत तब ज़्यादा है जब हमें समझ में ना आए, और ऑबियस है कि ऐसे हालात होने में थोड़ी सी डर अंदर आती है और यही डर आपको अच्छा करने के लिए, पढ़ने के लिए कंपेल कर देती है, जिससे आपका परफॉर्मेंस अपने आप निखर जाता है। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में इस तरह का जज्बा रखना, इस तरह के इमोशंस रखने की बहुत ज़रूरत है। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता कि ऑल ऑफ सडन सारी चीज़ें समझ में आने लगे, ऑल ऑफ सडन हम सब कुछ जान जाएं। ये ग्रेजुअली लेयर बाय लेयर नॉलेज बढ़ते जाता है। आप अगर फिजिक्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहिए, पढ़ाई के अमाउंट को बढ़ाइए। हाँ, एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाए तो उस समय आप इन बातों पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो आपने पढ़ लिया है उसी को बार बार पढ़ें, लेकिन एग्ज़ाम के पहले जो भी समय आपके पास है उसमें आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आपकी कमियाँ क्या हैं, किन टॉपिक्स को आपने नहीं समझे हैं, और एग्ज़ाम की तैयारी इसी तरीके से होती है, लोग करते हैं, परफॉर्म भी करते हैं। होप आपका जो इंटरेस्ट पॉइंट कम होगा, आप कभी लो फील कर रहे होंगे, यह समस्या इस सोच के साथ बदल जाएगी। सोच थोड़ी सी अलग है, पढ़ाई की ज़रूरत तब है जब पढ़ने का मन ना करे, जब समझ में ना आए, लेकिन है वाकई काफ़ी सही सोच। इस सही सोच के साथ कदम बढ़ाइए और देखिए कि कितना आसान हो जाता है ये सफ़र, ये पढ़ाई का। आप फील करेंगे एक समय कि नहीं, बात जो कही थी वो सही कही थी। थैंक यू।